जैन गाइस वेलकम बैक ऑन यो हंगर। तो अभी हम खड़े हैं शहर के दिल यानी गोलघर में, और अभी सिटी मॉल से थोड़ी दूर पे मैं खड़ा हूँ सिविल लाइंस के ऊपर। मेरे जस्ट राइट में आपको सनी होंडा मिल जाएगा, जहाँ आप अपने एक्टिवा एक्टिवा खरीदते होंगे। और गोरखपुर की सड़कों पे हम तलाश कर रहे हैं गोरखपुर के स्वाद की, और उसी क्रम में आज हम आए हैं गोरखपुर की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पिछले एक साल में जिसने एक क्रांति ला दी कहीं ना कहीं नॉनवेज सर्विंग में। इस शहर के एक साल में सबसे ज़्यादा हाइप हुआ नाम, और सबसे ज़्यादा जिस जगह की लोग तारीफ कर रहे हैं उस जगह पर हम आए हैं, जिसका नाम है कालिका होटल। पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, वेज एंड नॉन वेज। तो आइए इस जगह को आज एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या रेट्स में कमा। So this is the entrance of Kalika Hotel Ajamgarh, जो भी आप देख रहे हैं। ये जगह की प्रसिद्धि में बता दूं, basically इसके मटन की वजह से। बर्ड फ्लू का टाइम चल रहा है, obviously सब डरे हुए हैं, अंडा और चिकन ये दो चीजें हमने परित्याग कर चुकी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ एक ऐसा ऑप्शन लेके आया जाए, जो कि आप चिकन नहीं खा रहे हैं तो भी ऑब्वियसली अपने लिए भी ऑप्शन खोजना था ना। तो उस ऑप्शन को लेने के लिए हम आए हैं कालिका होटल, और इस समय हम खड़े हैं कालिका होटल के एंट्रेंस पे। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट दिख जाएगी। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर आप इसको देखना चाहें तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसकी प्राइस लिस्ट पे देख लें। जैसे आप एंटर करोगे लेफ्ट साइड में एक काउंटर मिलेगा, ऑलरेडी व्हाट एवर यू वांट जस्ट टेल देम एंड गो इनसाइड टू ईट। सो विद द एंट्रेंस इन द प्लेस यू विल गेट टू सी लॉट्स ऑफ सोयल यूटेंसिल्स। मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसमें कि मेरा अनुमान है कि ये चीजें पैक करके देते हैं। अनुमान क्या है, सच्चाई यही है कि ये अगर आप पैक करके लेके जा रहे हो मटन यहाँ से, तो ये मटन या चिकन जो भी चीजें आपको ये इसी मिट्टी के बर्तन में पैक करके देंगे। इसके आगे आप देखोगे थोड़ी लकड़ियां रखी हैं। ऑब्वियसली कालिका आजमगढ़ प्रसिद्ध ही इसलिए है क्योंकि ये हांडी मटन बनाते हैं, वो भी चूल्हे की आंच पे, भट्टी की आंच पे। तो लकड़ियां उस भट्टी को जलाए रखने के लिए। राइट और लेफ्ट मुझे आपको मेरे आपको कर्टन वॉल्स दिख जाएंगी। तो पहले मैं ही बताऊं कि ये सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखा मैंने किसी एक ऐसी जगह का, जहां पे अगर आपको पास इनस्टेबल जगह हो और आपको कम इन्वेस्टमेंट में एक एरिया तैयार करना हो विच इज सेपरेट फॉर यू। सो दिस इज द प्लेस विच आई सॉ इन द लीस्ट इन्वेस्टमेंट एंड मोस्ट क्रिएटिव वे। With this, we are entering inside the main premise of this Kalika Hotel. मेरे पीछे आपको ये पूरी जगह दिखाई देगी। तो just have a look how they have made the walls of this place. मेरे सामने I think wall है सनी होंडा की, and उससे attach करके इन्होंने ये चादरें लगाई हैं स्टील की, जिससे कि इसका एक पूरा रेस्टोरेंट तैयार हो गया, एक पूरा पैक जगह तैयार हो गई है। दिस द सिटिंग स्पेस, दिस इज बेसिकली अ ढाबा टाइप ऑफ प्लेस दैट यू वुड सर्च फॉर। यहाँ पे आपको देसी स्वाद मिलेगा ऑब्वियसली, और वो पूरा देसी वाइब में मिलेगी, जिसकी मुझे लगता है आजकल फैंसी रेस्टोरेंट से उठ के हम लोग बहुत ज्यादा तलाश कर रहे हैं। और बर्ड फ्लू में आ रही है वीडियो, तो सोने पे सुहागा है। एंड आफ्टर वर्ड जस्ट हैव अ लुक हाउ द प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी जो भी नॉनवेज डिशेस तैयार होंगे इसकी प्रिपरेशंस चल रही है, ऑब्वियसली नॉनवेज बन रहा है। अच्छा, ये मैं बताऊं कि कालिका होटल फेमस है मटन के लिए, लेकिन इस जगह पे मैंने देखा, मैंने आजमगढ़ गया हूं मैं कालिका पे, बट आई डोंट थिंक सो वहां पे वेज ऑप्शंस होते हैं। तो वो वेज ऑप्शंस भी यहां पे लेके आए हैं, ये चीज मुझे दिखाई दी। तो वेज ऑप्शंस के लिए भी ऑब्वियसली इनकी जरूरत पड़ेगी। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई सॉ, जिसकी वजह से हमने पूरी ये वीडियो बनाई, ये रहा वो मटन जिसके लिए ये पूरी जगह अल्टीमेटली फेमस है। तो दिस इज द मेकिंग ऑफ आजमगढ़ हांडी मटन। पूरी दुनिया, क्या मैं कहता हूँ ना कि भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में पूछिए इस चीज को कि आजमगढ़ अपनी और चीजों के लिए तो फेमस है अभी, बट आजमगढ़ मटन इज वन ऑफ द थिंग फॉर विच वी ऑल नो। जैसे एक है ना कि एक चंपारण प्रसिद्ध हुआ और एक आजमगढ़ प्रसिद्ध हुआ, तो ये जगह मिलके बनाती हैं आपका मटन, और वो आजमगढ़ का मटन चूल्हे के स्वाद पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो जो मेन चीज जो मुझे प्रभावित की जगह की वो रहा यहाँ का ओपन किचन। इट्स जस्ट जॉइंट टू द प्लेस जहाँ पे आप बैठेंगे, सब कुछ खुला है। आपको क्या चीजें मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, वो सब आप अपनी आंखों से देख सकते हो, कैसे बन रही हैं, कैसे पक रही हैं, कैसे सर्व हो रही हैं, ये सब आपके सामने है। और वेंटिलेशन की बहुत बढ़िया सुविधा दी है इस किचन में, तो आपको घुटन भी नहीं होगी इस चीज की कि हाँ यहाँ पे खाना पक रहा है तो उसके बाद आपको बैठे उस जगह पे घुटन महसूस हो रही हो।
एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा इस मटन को, देखिए कि लकड़ी की आंच पे चूल्हे पे पकता हुआ हांडी में ये मटन। एक आध चीजें मैं बताना चाहूंगा मटन के पकने में जो बहुत खास महत्व रखती है। एक तो आपकी जो बर्तन होना चाहिए वो मोटी पेंदी का होना चाहिए। तो ये जो हांडी आप देख रहे हैं इसके नीचे इन्होंने मिट्टी लगाई होगी, आप देख पा रहे होंगे, उसकी पेंदी मोटी करने के लिए या उस पर कालिख न लगे इसके लिए लगाया। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपके मटन में टेस्ट ऐड करता है। दूसरी चीज ये कि लकड़ी की आंच पे पक रहा है चूल्हे पे, तो एक देसी वाइब तो है ही, साइकोलॉजी जो कहें। उसके साथ साथ जब धीमी आंच पे कोई खाना पकेगा, खासकर जब प्रेशर कुक ना हो रहा हो, तो ऑब्वियसली उसमें स्वाद आना तो बनेगा ही बनेगा। आप कोई भी इंग्रेडिएंट डालिए बट एक सोंधापन, एक स्वाद, उसमें स्मोकीनेस रह जाएगा। ओके, तो इनके किचन में ये रही जो वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अपीलिंग लगी यहाँ पे, इनकी पकती हुई रोटी। एक तो मिट्टी के चूल्हे पे रोटी पक रही है और फूलने के लिए सीधा सीधा कोयले में जा रही है, मिट्टी की सोधी गोद में जहां से फूल के ये रोटी आपके लिए आ रही है। और ये बात तो हम और आप सभी मानेंगे कि कहीं ना कहीं हम सब मिट्टी से, गांव से, देश से जुड़े हुए लोग हैं। और सिर्फ एक स्वाद के लिए नहीं लेकिन एक भावना भी अटैच हो जाती है जब मिट्टी की गोद से निकली हुई रोटी हमें खाने को मिलती है। तो Already I am so much excited to show you all of these things. सिर्फ इसलिए नहीं excited हूँ कि इसको taste करना है, but इसलिए भी कि आप लोगों को पता चले कि शहर में कैसी जगह भी है, क्योंकि आपको आपके गांव वाला स्वाद जो शायद आप कहीं पीछे छोड़ आए हो वो वापस से आपको देगा। Come on. तो वो सारी चीजें जो हमें यहाँ पे खानी है वो हमारे सामने आ चुकी है और साथ में यहाँ के ओनर अभिषेक सिंह सर, हेलो बोल लीजिए। हाय। ओके, तो पहले मैं ये बता दूं क्या क्या चीजें हैं हमारे सामने। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, इधर से शुरू करूँ, माय फेवरेट कीमा कलेजी यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मटन के पीसेस लिए हैं हमने, ऑब्वियसली दो लोग हैं तो खाने के लिए दोनों पीसेस। प्राइसेस इसकी बताऊं तो 130 का हाफ ये कीमा कलेजी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सही हूँ ना, यस, और ये भी 130 का, ये 130 का दो पीसेस है। इसके साथ साथ हमने चपाती लिए, चपाती आपको दिखाई, सबसे टेम्पटिंग चपाती लगी इसमें। इसको जोड़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में थे, जहन में थे और आपके भी जहन में होंगे, तो ये पहले भैया से पूछते हैं। तो भैया सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना अच्छा आउटलेट आपने यहाँ पे खोला, और मतलब लोग जो अभी थोड़ी देर में आ गए उससे मुझे लग गया कि रिस्पांस कैसा जा रहा है। एक चीज मैं पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी यहाँ पे खाया है, लोगों की होस्टिंग बड़ी अच्छी थी, बड़े प्यार से बैठा के खिलाया था उस वक्त, अभी का नहीं पता, अभी तो अभी आप ऐसे आए ना, बट उस समय बहुत प्यार से खिलाया। रॉ मटेरियल कैसे श्योर करते हैं कि बढ़िया रहे, मतलब चिकन या मटन ला रहे? ये लेने के लिए मैं खुद जाता हूँ। अच्छा, मतलब रॉ मटेरियल जो आप मटन चिकन की बात कर रहे हैं, ये मैं खुद जाता हूँ मटन वाले के पास। सुबह सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम यही है मीट ले आना, और जाता हूँ सामने अपने सेलेक्ट करके बकरे को कटवाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्वाद, अगर मटन बढ़िया नहीं रहा तो स्वाद तो आना ही नहीं है। बढ़िया, क्योंकि हमारी क्वालिटी मटन में ही है, तो मटन के साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सही है। इसको लेने के लिए मैं खुद जाता हूँ, नहीं अगर मैं बाय द वे अगर नहीं रहता हूँ तो मेरा जो छोटा भाई या पार्टनर है शशांक सिंह वो जाता है, दोनों के तीसरे में किसी आदमी को भी नहीं भेजता हूँ लेने के लिए मटन। मटन भरोसा ही नहीं है, मतलब सही बात है, सीक्रेट ट्रेड, सीक्रेट कह सकते हैं ये इस चीज को। बाकी दूसरी चीज ये बताइए भैया, मतलब बहुत सारे कालिका है, और मैंने लखनऊ में देखे, बाकी बनारस साइड में है, आजमगढ़ में तो ऑब्वियसली कालिका, गोरखपुर में बहुत सारे कालिका है, कैसे माने कि आप ही असली वाले कालिका है? इसके लिए आपको सर बोर्ड दिखा होगा बाहर, जी जी, उस पे आप देखे होंगे लिखा हुआ कालिका होटल आजमगढ़ का, ये हमारी छठी ब्रांच है। अच्छा, गोरखपुर में? नहीं, गोरखपुर में पहली ब्रांच है, पूरे मतलब आपके पूर्वांचल में बोल सकते हैं आप, बनारस, अलाहाबाद, फैजाबाद, अकबरपुर, आजमगढ़, और यहाँ भी हम लोग एक साल पहले लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर 2019 30 दिसंबर को ओपनिंग हुई, 13 तारीख, क्योंकि मैं उसी समय आया था। और बाकी अगर आपको और अश्योर करना है तो आप और कालिका के पास अगर जाके आप सबसे पहली बार वहाँ खाना टेस्ट कर लें। जी जी, मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि दो चीज नोटिस करिएगा, उनका बोर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है उस पे, कालिका नहीं होगा, न्यू कालिका कुछ व्हाटएवर जो भी होगा उससे, लेकिन कालिका नहीं लिखा, कालिका नहीं। दूसरी चीज ये है कि क्वालिटी,
ऑब्वियसली वो तो ट्रेडमार्क है भाई, वो तो तभी पता चलेगी। बस अगर आप, क्योंकि मेरे पास भी कस्टमर आते हैं कि मैंने आपके इस ब्रांच में खाया, उस ब्रांच का गोरखपुर की, गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ भैया हमारा कोई ब्रांच नहीं है गोरखपुर में, बट होपफुली बहुत जल्द हम लोग दूसरा ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, इट विल बी अच्छा, मतलब वी विल नो अबाउट इट लेटर ऑन, तो अभी ये सरप्राइज है हमारे लिए। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भैया, बहुत सारे आउटलेट हैं गोरखपुर शहर के अंदर भी जो पेरिफेरी में है, मतलब कि आसपास के इलाके में, वो तो है ही कि गोरखपुर से थोड़ा बाहर जाओ तो फलाने मटन फलाने चिकन शॉप, क्यों आपके वहाँ है, उनके वहाँ क्यों नहीं है, आप ऐसा क्या दे रहे हैं कि आपके वहाँ है? हम ऐसा देखिए, आप आते हैं खाने के लिए तो आप बढ़िया खाना खोजते हैं, क्वालिटी खोजते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, साफ सुथरा खाना हो, आंख के सामने पकता हो, तो हमारी यही विशेषता है। देखिए आगे स्पेस कम होने की वजह से हम लोग अपनी भट्टी पीछे की है, लेकिन ये भट्टी फिर भी हमारी जो है ओपन टू द कस्टमर, सही बात, ठीक है, अगर यही भट्टी अगर स्पेस हमारे पास सामने था तो हम सामने रखते। मैं जो भी खाना हम पकाते हैं सामने, अगर आप यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे तो सामने आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, सामने मतलब कुछ कवर्ड नहीं है कि मतलब आपने ऑर्डर किया मटन चिकन या व्हाटएवर, आपने जो ऑर्डर किया अंदर से क्या आ रहा है कैसा आ रहा है आप नहीं देख रहे, लेकिन आपने ऑर्डर किया ये सामने पक रहा है, सामने रखा हुआ है, जी जी, वहां से आपके प्लेट में सर्व होके आपको सामने आपके टेबल पे आएगा, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ भैया जो भी आपके सामने, जैसे घर पे हम लोग जाते हैं मम्मी खाना दो, तो वहां पे कोई डाउट नहीं होता किसी को भी अपने घर में, जो घर का खाना है तो ये समझ लीजिए आपके घर का ये खाना है, सही है, घर का खाना, ये आपके घर का खाना, घर जैसा स्वाद है, वैसी फीलिंग भी हम लोग कोई एकदम हाई फाई रेस्टोरेंट की तरह, मतलब कोई एक अलग सा टेस्ट नहीं दे रहे, हम लोग बस जो अपनी पुरानी जो अपनी सभ्यता, एक्चुअल मटन खाने का मतलब देसी स्टाइल ही होता है, वो अलग से कि बटर चिकन बटर मटन ये सब तो आजकल चोचले हो चुके हैं मेरे हिसाब से, तो ये असली यही है, मटन खाओ तो दबा के मतलब देसी स्टाइल में, असली मजा वाला मटन यही का, ये बा ये बा ये बा, ये दबा के खा, ये के दबा खा। चलिए भैया धन्यवाद। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मटन तो है ही आपका फेमस, मटन के अलावा और कौन सी चीज आप कहेंगे कि जो लोग यहाँ आए जरूर से खाए? मटन के आइटम में ही आपको कीमा कलेजी मिलेगी, जी जी, जो भी स्वादिष्ट है, कलेजी के भी हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं ऐसे, जब से हमने स्टार्ट किया तब से मैं डे बाय डे देख रहा हूँ प्रोग्रेस हो रहा है कलेजी कीमा कलेजी के मामले में, चिकन भी है तो चिकन भी हमारा अच्छा है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या नाम से मसाला वसाला सब वही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मसाला पूछना था आपसे, खड़ा मसाला की पाउडर वाला जो पाउडर का, आप मेरे किचन को पूरा देख लीजिए, एक भी आपको डब्बा नहीं मिलेगा पाउडर का, वो तो हम देखे हैं, सही बात है। और अभी आप थोड़ा दो चार छह घंटा अगर वेट करेंगे तो मैं ऑलरेडी मसाले का ऑर्डर दे दिया हूँ, मेरा पूरा मसाला आजमगढ़ से आता है, खड़ा मसाला आजमगढ़ से आता है। बढ़िया है, मतलब इसीलिए तो इस स्वाद के लोग इतने मुरीद हैं कि खींचे चले आए हम भी यहाँ पे। चलिए धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच, अब हम स्वाद भोजन का लुत्फ उठाइए, ऑब्वियसली, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो प्राइसेस आपको पता चल गए इस चीज की। एक मैं सबसे खास बात बताऊं जो मैं यहाँ पे देख के मुझे लगा, कोई भी रिपीटेटिव चीज आपके खाने के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई है। रोटी मिली है एल्युमिनियम फॉइल में, कोसा है, डिस्पोजेबल होता है, अभी हम खाएंगे और तुरंत ये फेंक दिया जाएगा। प्लेट्स भी जो है ये भी रिपीटेटिव नहीं है, तो जो हाइजीन कंसर्न आपका रहता है वो मुझे लगता है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा ये चीजें देख के। बाकी टेस्ट कंसर्न की भाई देखो, ये तो देख के लालच आ रहा है। बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है इसमें, क्योंकि लोग जो कहते हैं वही सच्चाई है और जो मैंने टेस्ट किया वो भी है। बट एक बार फॉर द डे कि हाउ इट हैड बीन टुडे, जस्ट बाई टेस्टिंग द ग्रेवी आई एम टेलिंग यू नो कि कहने कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। लाइक द टेस्ट विच यू आर सर्चिंग फ्रॉम, जो आप कहीं मिस कर रहे होगे, आपके गाँव में कभी बनता होगा, घर में जब बड़े बुजुर्ग मिलते होंगे और बाहर चूल्हे पे खाना बनाते होंगे ना ऐसे बड़े बड़े हंडों में, वो वाला टेस्ट आ रहा है। और लिट्टी साथ में कॉम्प्लीमेंट होता था, हमारे गांव में लिट्टी तो नहीं है बट ये रोटी जो ये बना रहे हैं वो लिट्टी से कम भी नहीं है, मोटी रोटी है और कैसे पक रही थी आपने देखा, और वो स्वाद इस रोटी में आ रहा है, अपने घर के खाने से कंपेयर
कंपेयर करोगे आपको ये चीज दिख जाएगी। नॉनवेज है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्पाइसियर साइड में रहेगा, स्पाइसी है, थोड़ा तीखा भी है, लेकिन वो है जो कि एक नॉनवेज लवर खोजता है। बहुत पैसिव टेस्ट नहीं, एकदम गांव वाला टेस्ट आपको इस नॉनवेज का मिलेगा। दूसरी चीज जो रहेगी वो रहेगी हमारी कीमा कलेजी, और इस कीमा कलेजी को पहले मैं दिखाऊं तो पहले तो इसकी ग्रेवी देख के अपने आप में टेम्पटेशन आ जा रही है, एंड दिस हैड बीन द थिंग। पहले तो कलेजी है, अच्छी होगी, और टेस्ट के मामले में भैया ने कहा ना कि मटन के बाद अगर दूसरी कोई अच्छी चीज आपको लगेगी तो वो ये चीज देगी, और इस चीज से मैं पूर्णतः सहमत कहूंगा अपने आप को। एक चीज हमारा कंसर्न रहता है कि मटन हमारा गला की नहीं, उस चीज को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मटन हमारे सामने और जस्ट हैव अ लुक कितनी आसानी से पीसेस टूट जा रहे हैं, और यही आपको बताता है कि मटन गला कैसे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑब्वियसली टेस्ट वाइज, हाइजीन वाइज, जो चीजें आप इसको देखते हो हेल्थ वाइज कि गला नहीं हो तो थोड़ा सा आपके पेट में दिक्कत कर देता है बाद में, आई कैन एवरी एस्पेक्ट यू विल जस्ट लव दिस प्लेस हाउ आई डिड लव दैट। So that's a recommendation, new recommendation from the side of Yo Hunger, and this is a big thing I am saying because we generally don't say ki we recommend this place. हमें अच्छा लगता है, हम बताते हैं, but हम recommend नहीं करते। पर शहर में अच्छा मटन खाना हो ना, घर जैसा माहौल चाहिए और देसी स्वाद चाहिए, this is the place where you should be. This has been up from this video. अभी हम बहुत ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं, क्योंकि ये खाना literally मैं गर्मा गर्म बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगली किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक उम्मीद करेंगे आप कालिका होटल में आए होंगे पहले भी, ये मुझे पता है। अगर नहीं आए हैं तो आप आएंगे, और अगर आएंगे तो बताइएगा हमें कि कैसा लगा आपको यहाँ का स्वाद, क्या आपको अलग लगा, क्या बेहतर लगा। और हाँ, ये पता है ना कहाँ फॉलो करना है, ऑन इंस्टाग्राम यू कुड फॉलो मी एट foodpremi.in एंड विद मी बिहाइंड द कैमरा देयर इज गोरखपुर फूड्स। जय हिंद, सी यू नेक्स्ट वीडियो।